यदि आप चाहते हो कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने तो बात की शुरुआत इस वाक्य से करो, मैं आपको यह बताना तो नहीं चाहता था। पहली डेट पर जाने के लिए बुधवार सबसे अच्छा दिन माना गया है। किसी के ना बोलने पर भी खुद का नाम सुनाई देना एक स्वस्थ दिमाग का संकेत है। जो लोग भीड़ को देखकर जेब में हाथ डाल लेते हैं वो अधिक शर्मीले होते हैं। लोग आपके बारे में सुनी गई अच्छी बातों को आपसे दोबारा पूछने आएंगे, लेकिन बुरी बातों पर बिना पूछे ही विश्वास कर लेंगे। यदि आप बात करते करते अपने दोस्त को बैग सौंपते हो तो ज्यादातर लोग बिना सोचे बैग ले लेते हैं। यदि कोई इंसान आपके लिए समय निकालकर फ्री में काम कर रहा है तो उसे कभी भी जल्दी करो नहीं कहना चाहिए। 68% लोगों को ये महसूस होता है कि जैसे उनके जेब में रखे फोन में अभी अभी वाइब्रेशन हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग आपको इस बात से याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा, बल्कि इससे याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। मन में छुपाई गई भावना कभी खत्म नहीं होती, यह कुछ समय के लिए दूर हो सकती है, लेकिन जब दोबारा आएगी तो और ज्यादा दर्द के साथ आएगी। किसी से जलन भावना रखना हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। चुटकुले को समझकर उस पर हंसना हमारे दिमाग के 5 अलग अलग हिस्सों का काम है। नकारात्मक विचारों को लिखकर उन्हें कूड़ेदान में फेंकना आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी मनोवैज्ञानिक तरकीब है। जो लोग बहुत जल्दी पक्के दोस्त बन जाते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इनमें से अधिकतर ड्रामेबाज होते हैं। यदि आपकी हाइट कम रह गई है तो 90% चांस है कि आपकी माँ ने गर्भावस्था में चिंता की होगी। यदि आपसे कोई पेन मांगे तो उसकी ढक्कन हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि बिना ढक्कन के पेन को लोग बहुत कम अपनी जेब में डालते हैं। हम उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्हें हमारी पसंद का म्यूजिक ही पसंद आता हो। यदि आप एक बार किसी के प्यार में पड़ गए तो वापस उसके फ्रेंड नहीं बन सकते।